Hey everyone, welcome back to my channel Unknown Facts, and I hope you all are fine. In this video, I am gonna share 5 most cursed places in India. तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है किराडू मंदिर का। राजस्थान के बाड़मेर से 30 किलोमीटर एक छोटा सा गांव है किराडू। इस गांव में एक मंदिर है। इस गांव का नाम इस मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में किराडू परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी शख्स इस जगह के बारे में जानता है, उसके चेहरे पर किराडू नाम का दहशत साफ नज़र आती है। किराडू के बारे में जो किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, उन्हें जानने के बाद लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग इस मंदिर से जुड़े अपशकुनों और श्रापों के बारे में बताते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पत्थर है। दरअसल यह एक कुम्हारिन है जो कि एक ऋषि के श्राप के कारण पत्थर बन गई है। इस मंदिर में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। सारी वस्तु कलाओं पर ताला लगा दिया जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, इंसानी शरीर को इससे दूर कर दिया जाता है। कहते हैं जो भी शाम के बाद यहाँ रुकता है, वो पत्थर बन जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ मौजूद सभी पत्थर किसी ज़माने में इंसान हुआ करते थे। शायद इसी डर से आज तक किसी ने कानूनी कायदों को चुनौती देने की ज़रूरत नहीं की। 19वीं सदी में यहाँ भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कई सालों तक वीरान रहने के कारण इस मंदिर का रख रखाव नहीं हो पाया था। किराडू में कुल 5 मंदिर है, जिनमें से आज सिर्फ विष्णु और सोमेश्वर का मंदिर ही सही हालत में है। यहाँ मौजूद सभी मंदिरों में से सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा है। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर चंद्र प्रकाश ने मंदिर की गैलरी में घोस्ट मशीन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापने वाला एक उपकरण रखा, तो पाया कि यहाँ इंसानों के अलावा भी कोई दूसरी ताकत मौजूद है। मज़ेदार बात यह है कि नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। सभी पैमानों पर विशेषज्ञों ने माना है कि किराडू मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और घूमने फिरने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। लिस्ट में दूसरा नाम है भानगढ़ किला। भानगढ़ की कहानी रहस्यमय और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बनावट के 300 सालों तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया था। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, वह स्थान योगी बालूनाथ का तपस्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव में किला ध्वस्त हो गया। दूसरी कहानी यह है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे यानी कि जादूगर को प्यार करने लगे। अब इत्र तो पत्थर को लगा था, तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद यहाँ एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ के रहने वाले सभी लोग मारे गए। कहते हैं कि इस युद्ध में जितने भी लोग मारे गए थे, उनकी आत्मा अभी भी इस किले में भटकती है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है कुलधरा गांव। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाते हैं।
दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आता है वो हादसे का शिकार हो गया है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब यह गांव खंडहर में तब्दील नहीं हुआ था। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधरा को जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालेम सिंह। गांव की एक पुजारी की बेटी पर सालेम सिंह की एक बुरी नज़र पड़ गई और वो खूबसूरत लड़की जैसे सालेम सिंह की जिद बन गई। सालेम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव वालों को चंद दिनों की मोहलत दी। ये लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की बात थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5,000 से ज़्यादा परिवारों ने अपना सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहां आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। इस गांव में एक मंदिर है और एक बावड़ी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। इस लिस्ट में चौथा नाम है राजा जगतपाल सिंह का किला। लगभग 200 साल पुराना यह किला रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिठौरिया गांव में है। किसी ज़माने में यह किला 100 कमरों वाला एक विशाल महल हुआ करता था, लेकिन बिजली गिरने के कारण यह किला अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहाँ के लोगों के मुताबिक इस किले पर हर साल बिजली एक क्रांतिकारी द्वारा राजा जगतपाल सिंह को दिए गए श्राप के कारण गिरती है। वैसे तो आसमानी बिजली का गिरना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन एक ही जगह पर सालों से बिजली का गिरना लोगों को ज़रूर सोचने पर मजबूर कर देता है। वैसे तो इस किले के राजा जगतपाल सिंह अपनी प्रजा में काफ़ी लोकप्रिय थे और उन्हें एक अच्छा राजा माना जाता था, लेकिन उनके द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण उनका नाम इतिहास में एक गद्दार के रूप में भी दर्ज है। कहा जाता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। वह क्रांतिकारियों से जुड़ी हर खबर अंग्रेज़ों तक पहुँचाते थे। कहते हैं कि एक क्रांतिकारी विश्वनाथ शाहदेव ने उनसे नाराज़ होकर उन पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद राजा ने उन्हें पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था। लोगों का मानना है कि क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव ने ही अंग्रेजों का साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने पर राजा जगतपाल सिंह को यह श्राप दिया था कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का नामो निशान नहीं रहेगा और उनके किले पर हर साल उस समय तक बिजली गिरती रहेगी जब तक कि किला पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस किले पर बिजली इसलिए गिरती है क्योंकि यहाँ मौजूद ऊंचे पेड़ और पहाड़ों में लौह अयस्क की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो आसमानी बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन लोग इस तथ्य को शीरे से खारिज कर देते हैं। उनका कहना यह है कि जब किला आबाद हुआ करता था उस समय भी तो यहाँ के पहाड़ों में लौह अयस्क मौजूद थे और अभी के हिसाब से तो ज़्यादा ही थे, फिर उस समय किले पर बिजली क्यों नहीं गिरती थी? आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस लिस्ट में पांचवा नाम है शनिवारवाड़ा। मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव ने 1746 ईस्वी में इस महल का निर्माण करवाया था। यह महल पुणे में आज भी मौजूद है। 1818 तक यह पेशवाओं के अधिकार में रहा। 1828 ईस्वी में इस महल में आग लगी और महल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। यह आग कैसे लगी यह अपने आप में अभी तक एक सवाल बना हुआ है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस महल में अभी अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज़ आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। यह आवाज़ उस शख्स की है जिसकी हत्या इस महल में करा दी गई थी। कहते हैं हत्या के बाद उसके शव को नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था।
इसी राजनीतिक दांव पेच और सत्ता के लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई। कहते हैं आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं, काका माला वाचवा। नारायण राव की हत्या क्यों और किस कारण हुई, उसकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। नारायण राव नाना साहेब पेशवा के सबसे छोटे बेटे थे। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। नारायण राव को पेशवा तो बना दिया गया, लेकिन कम उम्र होने की वजह से रघुनाथ राव यानी राघोबा को उनका संरक्षक बनाया गया और शासन संचालन का अधिकार भी राघोबा के हाथों में ही रहा। लेकिन इस व्यवस्था से राघोबा और उनकी पत्नी आनंदीबाई खुश नहीं थी। वह सत्ता पर पूर्ण अधिकार चाहते थे। राघोबा के इस हसरत की भनक नारायण राव को लग गई और दोनों पक्ष के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसी बीच राघोबा ने सुमेर सी गर्दी जो भीलों का सरदार था उसे पत्र लिखकर रघुनाथ राव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन इस पत्र को आनंदीबाई ने बदल कर नारायण राव को मारने का हुक्म दे दिया। समर सिंह और नारायण राव के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, इसीलिए सुमेर सिंह गर्दी ने नारायण राव पर हमला कर दिया और इससे घबरा कर नारायण राव काका माला वाचवा पुकारता हुआ महल में भागा, लेकिन सुमेर सिंह ने अपनी तलवार से नारायण राव का अंत कर दिया। कहते हैं कि आज भी काका माला वाचवा यानी कि काका मुझे बचाओ की आवाज़ इस महल में हर अमावस की रात को गूंजती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।